हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना वायरस का मामला सामने आने के बाद यूपी के बुलंदशहर में जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। बुलंदशहर के वीरखेड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की 5 टीमों ने गांव में पहुंचकर घर घर वे गली गली में केमिकल का छिड़काव कर पूरे गांव को सैनिटाइज किया। साथ ही सभी ग्रामीणों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। सैनिटाइजिंग और स्क्रीनिंग की जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर बुलंदशहर के उस गांव की है जहां हाल ही में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था। आज स्वास्थ्य विभाग की 5 टीमों ने पूरे गांव की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग की। स्क्रीनिंग के दौरान टीम को 5 संदिग्ध और मिले जिनको आइसोलेट कर दिया गया है। इसी गांव में कोरोना पॉजिटिव शख्स के 8 सदस्यों को भी आइसोलेट कर सैंपल जांच के लिए मेरठ भेजे गए हैं। नहीं, ये शर्मा जी हैं, अमित कुमार शर्मा जी, जो काम कर रहे थे वहाँ, जो नोएडा की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के कई लोग पॉजिटिव आए हैं, तो ये भी उनके मालिक के संपर्क में थे। ये हमें पता चला था जब उनके मालिक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो अगले दिन हमें पता चला उनके संपर्क की जब लिस्ट आई तो हमने इनको तभी गाँव से ला के यहाँ आइसोलेशन में रखा था, और इस पर प्रोटोकॉल 5वें दिन इनका सैंपल लेके हमने भेजा अलीगढ़, वहाँ से पॉजिटिव आया, तो इसके बाद इनको कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है खुर्जा में, जो हमने बनाया है, और इनके परिवार के जो 8 सदस्य हैं उनको भी हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ले आए हैं। आज उनकी भी सैंपलिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि वो भी संक्रमित है अथवा नहीं। 3 किलोमीटर में पूरा ही गाँव है लगभग, तो उसमें हमने पूरे गाँव को आज सुबह टीम गई हमारी घर घर, तो उसमें सबकी स्क्रीनिंग भी हुई है और करीब 600 घर हैं उसमें, और सैनिटाइजेशन के लिए भी यहाँ पे गया हुआ है पूरे उस मकान का, उस 3 किलोमीटर के एरिया को सैनिटाइज किया गया है। सब कितने अभी लोग? हमारी टीम वही है, ये अभी रिपोर्ट आनी है, अभी तो हमारी टीम वही है, 5 टीमें लगी हुई हैं वहाँ। जनपद के अंदर जो बाहर से आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से और हमारे यहाँ विभिन्न ब्लॉक में, उनकी लिस्ट बन रही है और उनको यथासंभव हम जाके जहाँ पे हैं वो वहीं पे उनकी जांच कर रहे हैं कि उनको कोई सिम्टम तो नहीं है, और अगर उनमें से किसी को कोई सिम्टम आता है तो उनको हम आइसोलेशन में लाएंगे। अभी तक तो इस तरह का कोई केस नहीं आया है कि उनको जो इसके 3 सिम्टम है, बुखार, खांसी या सांस में दिक्कत, ये आई हो। सर, जो मजदूर तो हम जहाँ पे हैं वहीं पर क्वारंटीन किए हुए हैं, 2 हफ्ते रखेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने गांव की 3 किलोमीटर की परिधि को रेड जोन घोषित कर लोगों के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।